ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो जरूरत की यहाँ पे हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। माशाल्लाह आपने कमरा तो काफी खूबसूरत बनाया है, ठंडी ठंडी हवा वाला, ना हवा की फिक्र, बेड भी बहुत प्यारा है, सब कुछ क्लियर नजर आता है। शुक्रिया। मैं तो तुम्हें यहाँ पे रखने के भी खिलाफ थी, लेकिन वो नुमान चवल की वजह से। नुमान कौन? वो मेरा बंदा, उसकी तुम्हारे अब्बू के साथ दोस्ती है, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे रख रही हूँ। अच्छा, कुछ खाने को मिलेगा? मैं ला देती हूँ। वैसे बना क्या है? आलू टिंडे। यहाँ से मैकडोनल्ड नहीं मिलता? देखो बीबी, हम शरीफ और सादे लोग हैं, खामोशी के साथ ये खा लो, वरना मैंने ये भी नहीं देना। अरे मैं तो वैसे ही कह रही थी। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सही खाना नहीं मिल रहा तो तुम चुपचाप चली जाना। उम्र सारी कब तक यहाँ बैठ के लड़कियां ताड़ते रहोगे? पंजाबी पता नहीं, महक मर गई है, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? ओ हाँ सच, बाढ़ में जाए। बाबा साहब मैं बोर हो गया हूँ, कब तक सैड रहूं? अच्छी बात है, जो होना था हो गया, मूव अहेड इन योर लाइफ। लेकिन ऐसा प्यार नहीं किया था मैंने बाबा साहब कि दो चार दिन में ही आगे बढ़ जाऊं। तुम्हें चाहिए कोई काम करो, ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? क्या काम करूं, आपकी तरह सारा दिन बैठ के गोश्त काटता रहूं? पता है मुझे कितनी शर्म आती है जब कोई कहता है ना, वो देखो नवाब साहब बैठ के गोश्त काट रहे हैं। मैं तो उन्हें फौरन से कह देता हूँ कि मेरे दूर के बाप हैं, पास रहते हैं। अगर काम नहीं करोगे तो किसी ने तुम्हें अपनी लड़की भी नहीं देनी। बाबा साहब हमें नहीं देनी? ये चेक करें, मैंने एक अमीर लड़की फसाई है, मैं इनका गर्जमा ही बन जाऊंगा। लड़की के लिए अपने बाप को छोड़ दोगे? उसकी अगर कहीं और शादी होगी फिर क्या करेंगे, आपने तो इधर ही रहना है। फिटे है मुंह तेरे दे, फिटे है मुंह। ला 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 ला। क्या हुआ, क्या कहा शमशेर ने? कुछ नहीं कहा, तुम्हें मैंने कहा अभी था कि वो ठीक है। ठीक है? आपने उसके चेहरे पे तकलीफ नहीं देखी? नहीं, बल्कि मैंने उसे याद करवाया कि महक मर गई है, अब इस घर में कोई परेशान नहीं होगा, सब अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारे। मेरा सूट इस्त्री करो जाके। आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कह रहे हैं? क्यों, पहली बार इस्त्री कर रही है? नहीं, मैं शमशेर की बात कर रही हूँ। सही तो कह रही है ये, इन हालात में हम शमशेर को अकेला नहीं छोड़ सकते, कल भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लूज मोशन लगे थे उसे। तो इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगे कभी? आपने देखा क्या रिएक्शन है ये, शमशेर को लूज मोशन लगे। चुप करो गंदे। शमशेर, शमशेर तुम कहां से निकले हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं जानती हूँ कि महक के मरने के बाद तुम काफी तकलीफ में हो, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें लूज मोशन है ना। ये तुम्हें किसने बताया? वो आपके भाई ने। देखो शमशेर, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हारी दाढ़ी ना होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। शमशेर तुम जैसे कहोगे मैं अपना होलिया वैसे कर लूंगी, मैं दाढ़ी कटवा के मूछे रख लूंगी। बोलिया, अब जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन लो। अच्छा दवाई खा लेना। कौन सी? लूज मोशन। बिजली का बिल कितना आया? मैं दिखाती हूँ। ताई अम्मी, मुझसे गलती हो गई, महक की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस दिन मेरी बाइक में पेट्रोल होता तो आज महक जिंदा होती। हो सके तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं बाइक में पेट्रोल डलवा सकूं। हैं? उससे क्या होगा? उससे मैं अपने गुनाह का कफारा कर लूंगा। अगर मैं महक की याद में बाइक चलाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। बेटा वो महक की याद की वजह से नहीं, मुफ्त पेट्रोल की वजह से अच्छा लगेगा। oh, no. चलो पैसे दे दो, बच्चा है। याद है इसने मेरी बेटी को कैसे दुत्कारा था? शमशेर के पास सब कुछ है, अगर इतने ही मर्द हो ना तो खुद जाके कमाओ।
याद है इसने मेरी बेटी को कैसे दुष्कारा था? शमशेर के पास सब कुछ है, अगर इतने ही मर दो ना तो खुद जाके कमाओ। ट्रिगर दबाने में एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। ऐसा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। याद है खुद जाके शमशेर के पास सब कुछ है, खुद जाके कमाओ। पता नहीं कुत्ते क्यों भौंकने लग जाते हैं। हेमलो जी मार दो मुझे। मार दिया किसी ने कुत्ते को। ओह नो, ये आवाज तो ऊपर से आई है।